केजी थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। चलो 100 मीटर पर सेकेंड से हमने किसी मास को ऊपर फेंक दिया, यहाँ से हमने एक मास को ऊपर फेंक दिया, इस तरह से जाएगा, मान लो ये 100 मीटर, ठीक है। द मास 1 kg थ्रोन अपवर्ड 100 मीटर विद 5 सेकेंड एक्सप्लोर इनटू 1 प्रेशर। अब इसको आपको समझना है कि ये 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। हाईएस्ट पॉइंट नहीं, 5 सेकेंड बाद, इसको यहां से यहां तक जाने में टाइम जो है वो 5 सेकेंड लग गया। 5 सेकेंड बाद ये जो बॉम्ब है यहां पर फूट गया, तो 5 सेकेंड बाद इसके पास यहां पर कुछ तो वेलोसिटी होगी, तो चलो वो वेलोसिटी मान लेते हैं भी, ठीक है, 5 सेकेंड बाद कुछ वेलोसिटी होगी, और उसके बाद ये फूट गया है और दो पार्ट बने हैं। एक पार्ट जो है 400 ग्राम का डाउनवर्ड नीचे आया 25 मीटर पर सेकेंड से, तो दूसरा पार्ट किधर जा रहा होगा, कितने से जा रहा होगा, आए बात समझ में। यहां से मैंने एक पीस फेंका बम और जाके ऊपर 5 सेकेंड बाद फूट गया, तो उसके दो पीस बने, एक तो नीचे आ रहा है और दूसरा किधर जा रहा, कितने जा रहा, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो अब देखो जो 5 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है, मोमेंटम अगर मैं कंजर्व कराऊं, ठीक है, इस पॉइंट पे मोमेंटम कंजर्व कराऊं, कोलिजन एक्सप्लोजन से पहले, फूटने से पहले और फूटने के जस्ट बाद, ठीक है, फूटने के जस्ट बाद और फूटने के पहले मैं मोमेंटम कंजर्व कराऊं, तो इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए मुझे यहाँ वेलोसिटी पता होना चाहिए यार 5 सेकेंड बाद, तो ये वेलोसिटी मुझे पता ही नहीं है, तो मैं वेलोसिटी पहले निकालूंगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं, 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 100 और माइनस जी 10 और टाइम ये 550, मतलब ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड जो है वो वेलोसिटी आ जाएगी आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद ये वेलोसिटी इतनी आ जाएगी। अब अगर 5 सेकेंड बाद इतनी वेलोसिटी आ जाएगी तो इसकी इनिशियल मोमेंटम जो बना, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, समझ जाओ, कोलिजन से एक्सप्लोजन से पहले इनिशियल मोमेंटम, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, मास कितना था इसका 1 kg, तो 1 × 50, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब जब एक्सप्लोजन हुआ, ब्रेक हुआ, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम होगा दो पीस बने, एक नीचे आ रहा है, तो इसका मोमेंटम मैं निगेटिव ले लेता हूँ, जो 400 ग्राम का है, तो मास इसका 0.4 kg आ गया, और इसकी स्पीड कितनी है यार, इसकी स्पीड 25 है, ठीक है, इसको मैं माइनस ले लेता हूँ, और दूसरा नीचे आ रहा ना, दूसरा किधर जा रहा वो मुझे नहीं पता है, वो उसकी स्पीड भी है, और उसका मास कितना होगा 0.6 kg, भाई 1 kg का दोनों था ना, 1 kg का टोटल था, 400 ग्राम इधर 600 ग्राम इधर, अब इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो मुझे ये बात पता चल जाएगा कि वेलोसिटी कितनी होगी दूसरे वाले की, तो ये 50 और ये आ जाएगा 110, ठीक है ना, 110 और ये आ जाएगा 0.6 V, तो 0.6 V इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 0.6 V दैट इज इक्वल टू माइनस है, तो इधर आ जाएगा 60, ठीक है, तो इधर आ जाएगा 60 हो गया, तो V इज इक्वल टू 60 और डिवाइडेड बाई 0.6, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो और ये पॉइंट हट जाएगा, और 6 से 6 मतलब 100 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा, ठीक है, और किधर जा रहा होगा ये भी बता दो, ये बात कैसे पता चलेगा किधर जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड। अब देखो तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि कोलिजन से पहले जो नेट मोमेंटम था वो ऊपर था, नेट मोमेंटम ऊपर था, तो जब कोलिजन हुआ, ये बात मुझे पता है कि अगर एक बॉम है उसके दो पीस होते हैं तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए भाई, ठीक है, तो अगर एक नीचे आ रहा तो दूसरा वाला पीस ऊपर ही जाएगा, ठीक है, जिससे नेट मोमेंटम ऊपर हो, ठीक है, नेट मोमेंटम कोलिजन से पहले नेट मोमेंटम ऊपर है, तो कोलिजन के बाद भी नेट मोमेंटम ऊपर तभी रहेगा जब एक अगर नीचे आ रहा है तो दूसरा ऊपर जा रहा होगा और उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, है ना, इंटरेस्टिंग बात।